सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और मेरे घर से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर के लगभग ही है अरुण टी स्टॉल, मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर केसर वाली चाय। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ में आ ही गया होगा। तो जी हाँ, आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ कोलकाता का मोस्ट फेमस और पॉपुलर ब्रेकफास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं क्लब कचौड़ी। तो मेरे साथ आज कैमरा पर्सन तस्मिया, हाई करो, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स सुबह के 7:30। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और मेरे घर से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर के लगभग ही है अरुण टी स्टॉल, जो कि फेमस है अपनी क्लब कचौड़ी और केसर चाय के लिए। सो प्राइस लिस्ट भी लगी हुई है, मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो मैंने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया अभी एक प्लेट क्लब कचौड़ी का। सो क्या प्राइस है नहीं है सब बताऊँगा आपको और टेस्ट भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने नाम सुना इस दुकान का। सो देखते हैं कि सच में नाम है या सिर्फ ओवर हाइप्ड है। या आपको जो है शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट, बिल्कुल पीजी के बिसाइड पीजी हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा प्लेट आ चुका है और बहुत ही क्विक सर्विस एकदम बना के दिया है, गर्मा गर्म बिल्कुल निकली और आई है। ये देख सकते हैं काफी गर्म है, धुआं निकल रहा है। और यहाँ पे सब्जी भी काफी अच्छी लग रही है देखने में। और यहाँ पे मिर्चे का अचार, और ये 50 रुपीज प्लेट है, 10 रुपये पीस, 5 पीस का 50 रुपये। तो ऐसा नहीं है आपको 5 ही पीस लेना है। मैंने पूछा, वो बोले अगर 2 पीस भी आप चाहोगे तो 2 पीस भी मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोई प्लेट है तो ये फुल प्लेट 5 पीस का ही होता है। इसमें कोई भूख लग रही, मुझे भी लग रही है और देख कर मुँह में पानी आ रहा है। और ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे। ये गुप्ता ब्रदर्स है, गुप्ता ब्रदर्स के बिल्कुल ऑपोजिट में। और सुबह सुबह कोलकाता का फेमस स्ट्रीट फूड, वो भी स्ट्रीट में किनारे में बैठ के, और क्या चाहिए भाई। और इस मौसम में, ठंड का मौसम है, गर्मा गर्म अभी चाय पियेंगे, ये खाएंगे। और यहाँ पे अभी मैंने एक ही प्लेट लिया है, क्योंकि इसके बाद भी अभी और कुछ हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको पहले ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैंने ऐसा नहीं कि क्लब कचौड़ी कभी नहीं खाई, मैंने बहुत बार खाई क्लब कचौड़ी, लेकिन अरुण टी स्टॉल की कभी नहीं खाई है। और ना ही मैंने कभी बलवंत सिंह ढाबा की खाई है। मैंने और भी खाई, हमारे एरिया में बहुत सारे कैसवाल बोल के है, तो वो लोग मॉर्निंग में जो है क्लब कचौड़ी बनाते हैं, तो उनकी तो ठीक है नॉर्मल सी होती है, लेकिन इसका बहुत फेमस है यहाँ पे। लेकिन कोलकाता में 3 या 4 जगह की बहुत ज़्यादा फेमस है। चंगनी चाहंगनी क्लब कचौड़ी, जो कि बड़ा बाजार में इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको भी मैं कवर करूँगा। और उनका उसके बाद यहाँ पे बलवंत सिंह ढाबा है, अरुण टी स्टॉल है, 3-4 ही दुकान है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नामी है। तो अगर कोई बाहर से लोग आते हैं कभी भी कोलकाता, तो वो लोग यहाँ पे जरूर आके जो क्लब कचौड़ी खाते हैं। और मैं कोलकाता का होकर आज तक नहीं खाया, तो चलो इसी बहाने आज खा ले रहा हूँ और आपसे भी शेयर करता हूँ। तो उसको कैसे खाएंगे यार, इतनी छोटी, और इतनी छोटी आप देख लो, बड़ी प्यारी सी एकदम क्यूट वाली कचौड़ी। तो इसके अंदर फिलिंग की बात करता हूँ मैं पहले। तो अंदर में आप देख सकते हैं हींग है और दाल है और अच्छा खासा फिलिंग है उसमें। तो चलिए अब खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और सब्जी भी जो है बहुत ज्यादा टेस्टी है फ्रेंड, जितने की देखने में अच्छी है। थोड़ा सामने हो कैमरा लेके, कैमरा नहीं देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उससे ज्यादा अच्छी है। और इसमें आलू है, काबुली चना है, कड़ी पत्ता है, ये सब है, और खाने में बहुत ज्यादा अच्छी। चलिए हम इसको ऐसे करके खाते हैं। अब इसमें छेदा हो चुका है, एक आलू डालते हैं, एक काबुली चना डालते हैं, और इसमें दिया हुआ अचार, मिर्चों का अचार है, ये डालते हैं। बिस्मिल्लाह वाला। और मैं ये सोच रहा हूँ खाते खाते कि मैं क्यों इससे पहले कभी नहीं आया नाश्ता करने, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आज के बाद मुझे लगता है महीने में 2-3 बार तो मैं यहाँ पे आने वाला हूँ सुबह सुबह नाश्ता करने। इतना अच्छा नाश्ता है। तो जितना कि मैंने नाम सुना है, नो डाउट क्वालिटी बिल्कुल वैसी है, बल्कि और ज्यादा ही अच्छी लग रही है मुझे। जैसा मैंने रिव्यू देखा है सब जगह, तो बिल्कुल नो डाउट सच बात है, कोई इसको ओवर हाइप नहीं किया हुआ है। बहुत अच्छा टेस्ट है और ये मजा आ रहा है इस तरह से करके। और ये बिल्कुल पुचके का साइज का है, तो आप समझ सकते एक ही बार में जा रहा है हमने। तो मेरा ऐसे भी मुँह माशाल्लाह बड़ा है, तो आराम से चला जा रहा है पुचके की तरह। बहुत लजीज है, बहुत लजीज है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा बॉस, अगर कोलकाता में आप रहते हो या कभी कोलकाता आते हो, अच्छी क्लब कचौड़ी खानी है, आँख बंद करके आप अरुण टी स्टॉल आओ और खाओ, मजा आ जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पूड़ी खाने हो गया था, तो दो पूड़ी मैंने और ली है क्योंकि काफी अच्छा लगा टेस्ट, दो और ली है। और यहाँ पे एक जलेबी ली है। तो जलेबी का प्राइस हम पूछा नहीं हो, अभी पूछ के जो भी होगा तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, जो प्राइस होगा मैं मेंशन कर दूंगा। सो चलिए जलेबी खा के देखते हैं इनकी जलेबी कैसी है। जी फ्रेंड्स, इनकी जलेबी टेस्ट करते हैं कैसी है। जलेबी भी इनका एकदम अलग अपना टेस्ट है। सबसे बड़ी बात, काफी क्रिस्पी है, मीठा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत जगह होता है जलेबी के नाम पे एकदम चीनी और सिक्रीन मिला दिया जाता है, तो वैसा नहीं है, मीठा है, बिल्कुल नॉर्मल है और खाने में काफ़ी टेस्टी है, तो जलेबी भी आप खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे तो यही का है, वो क्लब कचौड़ी भी खा ली, जलेबी भी खा ली, चाय भी आ रही है। तो यहाँ पे चाय जो है स्मॉल भाड़ केसर वाली 40 रुपये, मीडियम 60 रुपये और बड़ी वाली 80 रुपये। तो मैंने छोटी बोली है ठीक है भैया। और यहाँ पे हमने अभी आधे पेट भरा है मेरा, और अभी हम लोग जाने वाले बलवंत सिंह ढाबा, जो कि कोलकाता में वो भी इतना ही फेमस है जितना अरुण टी स्टॉल है, उतना ही वो भी फेमस है अपनी क्लब कचौड़ी और चाय के लिए। सब देखते हैं दोनों में कौन जीतता है। तो इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हर चीज़। अब देखते हैं वहाँ का क्या होता है। चाय में यहाँ पे बहुत मेरे नाम से चाय ले भी आ रही है, उसका भी आपको अच्छे से रिव्यू देता हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है निमकी इस तरह की, तो ये 30 रुपये का आपको इतनी क्वान्टिटी दे रहा है, 30 रुपीज़ का है, काफ़ी क्वान्टिटी है उस हिसाब से। और अगर दाम की बात करूँ, दाम भी इनका मुझे ठीक ही लगा क्योंकि ये एरिया बिल्कुल कोलकाता का मैं कहूँगा बिल्कुल सबसे महंगा एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, तो उस हिसाब से जगह के हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस बिल्कुल सही लगा मुझे। क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा, मैं देखा कि उनको दाम ज़्यादा लगा। तो हींग कचौड़ी जो है, ये क्लब कचौड़ी हर जगह कलकत्ते में 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, तो कोई हाथी घोड़ा तो नहीं लिया गया। और चाय 40 रुपये केसर चाय, अब देखते हैं पीकर सच में केसर डालते हैं कि नहीं, या नाम के लिए बोला गया, अब ये नहीं पता। और ये 30 रुपये में ये क्वांटिटी है, तो ये तो मैं बस ऐसे लिया हूँ। जरियान बहुत शौक से खाता है, तो ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसका क्या रिव्यू दूँ, हंसता निमकी है बस, वही है। तो जरियान खाता तो मैंने पैक करवा लिया। चलिए चाय आ जाए फिर आपसे दिखाता हूँ मैं। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. So friends, यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है, जो कि देखने में बहुत यूनिक लगी मुझे। चाय बहुत जगह पी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आप ऊपर से देखते हैं, उन्होंने इतना फेटा है, पहले आपको मैंने दिखाया ही, अभी ऊपर पूरा झाग आ गया है, उसके ऊपर झाग के नीचे चाय है, तो एकदम यूनिक लगा। और ऊपर से केसर डाला हुआ है और लिटरली काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला है, ये नहीं कि एक दो पीस रख दिया है केसर, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो काफ़ी है। और भाड़ का साइज़ भी मैं कहूँगा 40 रुपये के हिसाब से ठीक है, फिर वही कहूँगा महंगा है, लेकिन अगर एरिया वाइज आप देखोगे तो प्राइस ठीक बा, नहीं तो ऐसे महंगा है, लेकिन अब जैसी जगह है उस हिसाब से ठीक है प्राइस। अब देखते हैं बारी आती है इसके टेस्ट के ऊपर, तो चलो टेस्ट करते हैं। मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर केसर वाली चाय, चाय में बोलूंगा, चाय में पानी नहीं डाला गया है, दूध की चाय, मतलब प्योर दूध है, प्लस इलायची का फ्लेवर आ रहा है दूध चाय में। तो चाय का जो टेस्ट मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है जितना कि मैंने तारीफ सुनी है, ओवर हाइप है मैं कहूँगा चाय का। क्योंकि कोलकाता में आपको जो है जो रस्ते में चाय बनती है, वो लोग इस तरह की चाय बहुत जगह मिलती है, अगर आप कहोगे स्पेशल चाय बनाने तो 10 रुपये 15 रुपये कप देता है, इस तरह की चाय आपको मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि पागल हो गया पी कर। हाँ, तो केसर डाला है चाय में, तो केसर का स्वाद आ गया, क्योंकि बनाने टाइम भी इन्होंने मुझे लगा केसर डाला, तो चाय में तो है ही टेस्ट, और प्लस ऊपर से इन्होंने डाला है, तो केसर का भरभर के फ्लेवर आ रहा है, नो डाउट, लेकिन बस केसरी का फ्लेवर आ रहा है और इलायची का। तो ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम पागल हो गया हूँ पीकर, तो ठीक है, लेकिन इससे अच्छी मैंने उम्मीद जैसी की थी, उतनी अच्छी नहीं, लेकिन ठीक है चलेगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जो है बलवंत सिंह ढाबा में लोग आ चुके हैं और यहाँ पे ऑर्डर भी आ गया हमारा, थैंक यू। भैया ये क्लब कचौड़ी का क्या प्राइस है? 50 और जलेबी 20। तो यहाँ भी जो प्राइस बिल्कुल सेम है जो अरुण टी स्टॉल का है। तो यहाँ पे क्लब कचौड़ी आपको जो वही 5 पीसेस है प्लेट 50 रुपीज़ का, और जलेबी है 20 रुपीज़। और यहाँ की सब्जी बिल्कुल देखने में तो कचौड़ी और जलेबी तो थोड़ा सेम ही है देखने में, अब टेस्ट में कैसा पता नहीं, लेकिन सब्जी बिल्कुल यहाँ की अलग है। थोड़ा सा गाढ़ी लग रही है और यहाँ पे सिर्फ आलू है और ये शायद मंगरेला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, मंगरेला है और हरी मिर्च है। सो इसमें काबुली चना और वो सब नहीं है, गर्मा गर्म है। अच्छा और एक चीज़ मैं कह दूँ, मैंने दोनों जगह एक चीज़ क्या बोलते हैं नोटिस किया कि दोनों दुकान के दुकानदार का कहो या स्टाफ का कहो, बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मुझे, चाहे वो अरुण का बोलो या यहाँ का बोलो, तो दोनों का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ का खाना देखते हैं कि खाना कैसा है। तो फिलिंग यहाँ पे वही सेम है, दाल है और वही मंगरेला ये सब है और हींग, सॉरी इसको हींग कहते हैं, हींग है और ये दाल। चलिए इसको भी वैसे ही खाते हैं जैसे वहाँ खाया था, तो ही पता चलेगा कैसा है। लेते हैं छोटा सा मिर्ची, लेते हैं अचार, बंद करते हैं। साइज तो सेम ही ना था शो, टेस्ट अच्छा है। लेकिन अगर मैं क्या बोलते अरुण से अगर मिलाऊंगा, अरुण टी स्टॉल से, वो भारी पड़ चुका है क्योंकि कचौड़ी मोटा मोटी सेम ही है। और मैं आपको बता दूँ ये क्लब कचौड़ी जो होती है ना, इसका टेस्ट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अलग होता है। जो हमारी हिंग कचौड़ी जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं ना बड़ी वाली, वही चीज़ है, बस वो बड़ी होती है, इसका साइज़ छोटा है, वो थोड़ा क्रिस्पी कम होती है, ज़्यादा क्रिस्पी है मुश्किल टाइप का, तो ये बस यही फ़र्क है। तो फिलहाल यही है, तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत फ़र्क होता है कचौड़ी में, लेकिन आइए क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है, बार बार कहूँगा। और टेस्ट की बात करूँ तो इनकी जो ये है कचौड़ी, ये बिल्कुल सेम टेस्ट है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये भी बिल्कुल गर्मा गर्म है, लेकिन जो अरुण की थी वो ज़्यादा क्रिस्पी थी। पहली बात तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं उतनी, और सब्जी भी इनकी मुझे पसंद नहीं है सच बताऊँ तो। अगर मैं 10 आउट ऑफ इसमें दूँगा अगर, तो मैं दूँगा इसको 7 आउट ऑफ 10, और उसको मैं ये क्या नाम है अरुण को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। तो ये मेरा है। अब हो सकता है आप लोग आओगे तो आप लोग को यहाँ का ज़्यादा चला सकता है, तो अपना अपना टेस्ट बड्स है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कि अब जो भी आएगा तो ऐसे ही, हो सकता है आपको यहाँ का अच्छा लगेगा, हो सकता काफ़ी लोगों को वहाँ का। तो मेरा अपना मैं जो पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे जो है अरुण टी स्टॉल ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए तो खाते हैं और जलेबी भी टेस्ट करते हैं जलेबी कैसी है। और जलेबी यहाँ भी 20 रुपीज़ की है, वो भी 20 रुपीज़ की है, लेकिन वहाँ की थोड़ा साइज़ बड़ी थी और देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये थोड़ा ड्राई है, वहाँ की ड्राई नहीं थी और छोटी भी हो रही थी। क्रिस्पी बहुत है, लेकिन अरुण टी स्टॉल जीत चुका है, जलेबी भी उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो नाश्ता मुझे वहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा, तो सच बात है। अब चाय की बारी है। सो फ्रेंड्स वैसे जो भी प्राइस होगा नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। तो चाय की जो क्वांटिटी और भाड़ जो है बिल्कुल सेम है, मैं कहूँगा सेम है ना तशु, और क्वांटिटी भी वैसी ही है, लेकिन वहाँ का जो झाग वाली चाय थी यहाँ पे उतना झाग नहीं है, नॉर्मल सी लग रही है। और केसर आप देख सकते हैं, यहाँ भी केसर ऐसा नहीं कि कम है, केसर अच्छे खासी क्वान्टिटी में। तो फ्रेंड्स अब चाय का जो मैं टेस्ट कहूँगा आपको, तो थोड़ा ना फर्क है चाय में वहाँ और यहाँ में। वहाँ पे इलायची का बहुत फ्लेवर आता है, यहाँ पे इन्होंने इलायची कुछ भी नहीं डाला, ना इलायची ना अदरक कुछ भी, सिर्फ नॉर्मली दूध वाली चाय है और काफ़ी कड़क है जैसी होनी चाहिए, और ऊपर से केसर डाला हुआ है तो केसर का स्वाद आ रहा है। तो मुझे चाय जो है अगर मैं दोनों में कंपेयर करूँ तो चाय यहाँ की ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन वही बात है ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़बरदस्त, मैंने कभी नहीं किया। अच्छी चाय वहाँ के बने तो अच्छी है, तो पी सकते हैं चाय वहाँ की, यहाँ की भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम फर्स्ट टाइम यहाँ की भी चाय, ऐसी चाय मिलती नहीं है कहीं। कोलकाता में बहुत जगह इस तरह की चाय, और इससे कम में 15 रुपये 20 रुपये ऐसे ना लोग, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन चाय मैं अगर दोनों में कंपेयर करूँ तो ये ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए हम लोग इसको फिनिश करते हैं चाय को, फिर साहिबा का मुझे अभी नाश्ता भी लेना है, तो मैं जगह यहीं से ले लूँगा, लेकिन अब वहाँ का मुझे अच्छा लगा तो मैं वहीं से उसका पार्सल करवाऊँगा अरुण टी से, उसका जरियान का, बस वहाँ से लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे और साहिबा भी खाएगी तो मैं उसका भी आपको रिव्यू बताऊँगा कि उसको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फिनिश करते हैं और वहाँ से पार्सल लेके फिर निकलते हैं घर। तो फ्रेंड्स मैं घर आ चुका हूँ और यहाँ पे जरियान है, और मैं साहिबा को अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी जस्ट सो के उठी है, तो अल्लामा का चेहरा ना बिल्कुल बबरन शेर हो रहा है, बबरन शेर, तो इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो आप लोग डर जाओगे। और हंस रही है वो खुद बेचारी। तो यहाँ पे मैंने क्लब कचौड़ी लाई थी 6, एक जलेबी और सब्जी है, अरुण टी स्टॉल से ले आया था। और अभी बज रहे हैं 9:20। तो हम लोग घर आ गए हैं, मैं आके कपड़े भी चेंज कर लिया है। सो साहिबा कैसी लगी आवाज बता दो। मुझे अच्छी लगी। अच्छा जरियान अब खाएगा, जरियान बताएगा कैसा है टेस्ट। थोड़ा सा ये भी सो रहा था, मैं उठाया तो एक बार में उठ गया नाश्ता देख के। अच्छी है। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली घर आ चुका हूँ, साहिबा ने नाश्ता भी अभी दिखाया, तो साहिबा जरियान नाश्ता कर रहे हैं और मैं आके जो कपड़े वपड़े चेंज कर लिया हूँ। तो सुबह उठ गया था, थोड़ा नींद आ रही है क्योंकि मैं उठा हूँ सुबह 6:15 बजे, तो जल्दी उठ गया तो नींद आ रही है थोड़ी सी। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सोने, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30, कितना हो रहा है 9:30 हो रहे हैं। तो अभी आराम से कम से कम 2 घंटे सोऊंगा, फिर 11:30-12 बजे तक उठूंगा, तो फिर और क्या, फिर अपनी ड्यूटी में निकलेंगे। सो और एक फ्रेंड जो बलवंत सिंह का ढाबा का जो चाय मैंने बोली वो 80 रुपए की चाय थी भाई साहब, उतनी सी। तो मुझे लगा 40 की भाड़ है, तो बाद में बोला नहीं हम लोग का सबसे जो छोटा भाड़ है वो 80 रुपए का केसर चाय। तो उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा भाई मेरा कट गया, फालतू का मेरा पैसा गया। तो 80 रुपए के हिसाब की चाय नहीं थी, 40 रुपए में चलो मैं बर्दाश्त कर ले रहा था कि हाँ ठीक है अच्छी है। 80 रुपए के हिसाब से चाय कहीं की नहीं थी, ना क्वांटिटी उतनी थी ना क्वालिटी। ओवरऑल अगर मैं कहूंगा खाने के बारे में तो मुझे जो है अरुण टी स्टॉल ज्यादा बेहतर लगा कंपेयर टू आपको बलवंत सिंह ढाबा। तो विनर इज अरुण टी स्टॉल आज का। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आपने इस व्लॉग को देख लिया है फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बन जाइएगा हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। और आज के व्लॉग को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार यहीं बरसाते रहें। सो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता हूं इंशाल्लाह एक नए और धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय।